हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ लेकर आए हैं एक बार फिर से आपका अपना शो। और एक बार फिर बात होगी आपकी किस्मत की, आपके दिन की, कैसा रहने वाला है आज आपका दिन। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में फोन लाइंस खुली हुई हैं और कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज की हमारी गेस्ट हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा जी। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अच्छे विचार से। रंजना जी, क्या है आज का सुविचार? आज का विचार है कि अच्छा व्यवहार, इसका कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन अच्छे व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की इसमें शक्ति रहती है। इसलिए हमेशा अपना स्वभाव शांति और सरल पूर्वक रखिए और करोड़ों दिलों को जीतने की शक्ति आप में आ जाएगी और सबके बीच में आप हमेशा बहुत खुश रहेंगे भी और लोगों को भी खुश रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं रंजना जी, और अब बात कर लेते हैं एक नंबर वालों की। एक नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? एक नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनका जो दिन है इनके एकदम अनुकूल जाने वाला है। सब तरफ से इनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, अपनी फैमिली से भी, अपने घर में इनके जो छोटे बहन भाई हैं उनसे भी इनको आज बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है और आज का दिन इनका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और देखते हैं इनके कार्य क्षेत्र में भी, इनके व्यापार के क्षेत्र में भी इनको पूरा पूरा सपोर्ट सब तरफ से मिलेगा। तो नंबर एक वालों के लिए आज का दिन बेहद अच्छा रहेगा, 80% सक्सेसफुल रहेगा इनका दिन। और इनके साथ साथ हम इनको ये भी बताना चाहते हैं कि घर से निकलने से पहले अगर ये केसर का तिलक निकाल लगा कर जाएंगे तो इनको और भी ज्यादा सफलता आज मिल सकती है। तो नंबर एक वालों का दिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए हमारे साथ कॉलर जुड़ी है रंजना जी, अंबाला से निधि। बहुत बहुत स्वागत आपका, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी मैम, हाँ जी आ रही हूँ। हाँ जी निधि जी, अपना सवाल रख सकती हैं आप। मैम मैंने ना अपना घर के लिए पूछना, हमारा अपना घर कब तक बनेगा जी? अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मैम 30/9/1991 जी। 10:25 सुबहगे। अच्छा, मोहाली पंजाब। निधि जी, हम देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी सपोर्ट मिलने वाला है और आपका घर हम देखते हैं कि अगले साल मई के आसपास जरूर आपका बनेगा। और इसके लिए आप धीरे धीरे जो भी प्लानिंग करना चाहते हैं आप करना शुरू कर दीजिए, आपको इसके अंदर बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, मगर प्लानिंग आपको आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। और उसके साथ साथ हम आपको दो उपाय भी बताना चाहते हैं, और उसमें ये है कि दो रोटी और गुड़ उस रोज गाय को खिलाना शुरू कर दें, और अगर आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर देंगे आज से ही, जब तक आपका घर नहीं बनता, आप देखेंगे कि ऐसा करने से बहुत जल्दी आपका घर जरूर बनेगा। इसे घबराएं नहीं, जो उपाय आपको बताए हैं वो करना शुरू कर दीजिए। हम देखते हैं 6 महीने के अंदर अंदर आपके घर के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जरूर कर देंगे। चलिए बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हुए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी है रंजना जी, रेनू जी जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत आपका, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी मैम मिल पा रही है जी। अपना सवाल रख सकती हैं आप। हाँ जी, मैंने मेरे बेटे के बारे में पूछना है मैम। जी जी, उनका नाम बताएं, उनके बारे में क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी बताइए। मेरे बेटे का नाम ध्रुव है मैम जी, और उसका डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2015 12:05 पे। जी क्या पूछना चाहती हैं आप? दोपहर के 12:05 पे मैम, ये जैसे वीक बहुत है, कुछ खाता पीता नहीं है मैम, और जैसे पढ़ाई में भी इंटरेस्ट सा कम रखता है, तो इसके बारे में पूछ रही थी मैम। जी जी जरूर रंजना जी। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटे का, एक बार फिर बताएं? बेटे का नाम ध्रुव बताया है उन्होंने। ध्रुव, अच्छा
निया, इनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या है कि शनि का ग्रह इस बेटे के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इसके लिए हम आपको यही सजेशन देखेंगे। एक तो रोज ओम नमः शिवाय का पाठ इसको आप इसके लिए कर सकती हैं, एक माला, और हर शनिवार वाले दिन अगर आप तेल का दान करेंगी, सरसों के तेल का दान करेंगी किसी भी जरूरतमंद को, इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपका बेटा है वो पलर जाएगा। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आपके बेटे को नजर बहुत जल्दी लगती है, तो नजर जरूर आप इसकी उतार लें मंगल या शनिवार वाले दिन। उसके बाद आप देखेंगे आपका बेटा बहुत होशियार होगा और जरूर आगे चलकर तरक्की करेगा। मगर जो उपाय आपको बताए हैं इनको आप वेणु जी जरूर कर लीजिए। चलिए बिल्कुल रंजना जी, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दो नंबर वालों की। दो नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? दो नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कि इनका दिन आज इसमें थोड़ा सा इनको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और इनको इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और ये परिश्रम जो है सुबह के समय ही बहुत ज्यादा इनको लगेगा। और इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम है उनमें इनको आज थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए बहुत जरूरी है घर से निकलने से पहले आप जरूर थोड़ा सा गुड़ का दान करके निकलिए, या रास्ते में अगर गाय मिले उसको गुड़ खिलाएंगे उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ सूर्य को जल देके भी घर से निकलेंगे तो फिर आपके काम धीरे धीरे बनते चले जाएंगे, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मगर कठिन परिश्रम जरूर है, मगर 2 बजे के बाद दिन जो है आपके फेवर में जाने लग जाएगा और आपके कार्य बनते चले जाएंगे। दिन में आपके सक्सेस है 70%, इसलिए आपको घबराए नहीं, जो आपको उपाय बताए हैं ये आप अवश्य कीजिए। आपका रंग है ऑरेंज और आपका जो अंक है वो है नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं रंजना जी, और अब बात कर लेते हैं, हमारे साथ कॉलर जुड़ी है कुसुम जी। बहुत बहुत स्वागत आपका कुसुम जी, आवाज आपको मिल पा रही है? यस मैम जी, अपनी बात रख सकती हैं आप। मैम मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी जी, उनका नाम राहुल है जी, क्या पूछना चाहती हैं जी? उन्होंने अपना विदेश काम के लिए पैसे भर रखे हैं और वो वेट कर रहा है कब तक बन सकता है उनका। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 4 दिसंबर। राहुल जी की डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज, दोबारा बताइए, सुनाई नहीं दिया आपने, क्या बताया है? 4 दिसंबर 2001। जी जी, दिन मंगलवार, रात 10 बजे। अच्छा, कुसुम जी आप घबराएं मत, आपके भैया की हम देखते हैं राहुल जी की जरूर किस्मत चमकेगी। आजकल जिस हिसाब से प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोरोना करके, इसलिए थोड़ा इनका इनके कार्य में विलंब आ रहा है, इसके लिए हम आपको उपाय यही बताना चाहते हैं कि हर शुक्रवार वाले दिन आप जरूर मंदिर में खीर का दान करना शुरू कर दीजिए। ऐसा आप 21 शुक्रवार कीजिए, उससे आप देखेंगे बहुत ज्यादा इनको लाभ मिलेगा। आपका भाई बहुत होशियार है, बहुत फोकस्ड है, इसके कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं, और जरूर राहुल जी जैसे चाहते हैं अब्रॉड जाना, इनको जरूर ये चांस मिलेगा। मगर जो उपाय हमने आपको बताए हैं इनको आप अवश्य कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं रंजना जी, और अब बात कर लेते हैं 3 नंबर वालों की। 3 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? 3 नंबर वालों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, हर तरफ से इनको सपोर्ट है, व्यापार में भी, अपने कार्य क्षेत्र में भी इनकी कार्य कुशलता बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी और इनको बहुत ज्यादा सम्मान भी मिलेगा। मगर कहीं ना कहीं इमोशनली ये बहुत ज्यादा अपसेट दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए हम इनको यही सजेशन देंगे कि इतना ज्यादा अपसेट होने से, नेगेटिव रहने से कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम आपको यही सजेशन देना चाहते हैं कि आप हर रोज अगर हो सके तो किशन जी के सामने, विष्णु जी के सामने तुलसी का पत्ता चढ़ाना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं स्वास्थ्य रिलेटेड वो आपके ठीक हो जाएं। हर तरफ से अदरवाइज आपको पूरा सपोर्ट है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रंग है आपका लाल और आपका जो अंक है वो है नंबर 9। आटे का दान कीजिए और आज का दिन जो है आपका इसमें 70% सक्सेसफुल रहेगा, इसे घबराए नहीं, जो उपाय बताए आप करें उसमें आपको बहुत ज्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं 4 नंबर वालों की। रंजना जी 4 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? 4 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनका दिन थोड़ा सा तनावग्रस्त है और स्पेशली इनके जो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ईगो से रिलेटेड है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जिसको हम यही सजेशन देंगे कि जितनी जल्दी हो इसको खत्म कर लें।
जब रिलेशनशिप को अच्छा जितनी जल्दी प्यार से प्यार बढ़ता है और टकरार से टकरार, इससे अपना पुरानी जो भी बातें हों, जो भी ईगो इश्यूज हों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, उसको इमीडिएटली आप क्लियर कर दीजिए और साथ साथ तुलसी जी पे केसर युक्त आप जल डालना शुरू कर दीजिए और मंत्र कीजिए, ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये मंत्र आप 11 बार करेंगे, इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा और आपके रिश्ते एक बारी फिर से मधुर हो जाएंगे। मगर ये मंत्र आप जरूर 40 दिन अवश्य करना शुरू करें। आपका रंग है ग्रीन और आपका जो अंक है वो है नंबर 5। चलिए बिल्कुल, रंजना जी हमारे साथ कॉलर जुड़ी हैं, गौरी उनका रुख कर लेते हैं। गौरी जी बहुत बहुत स्वागत आपका, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, जी जी अपना सवाल रख सकती हैं। जी आपको अपने भाई के लिए पूछना है, भाई का नाम बताइए। भाई का नाम है अमरीश। अमरीश नाम है जी, अमरीश। अमरीश नाम है, अमरीश जी। भाई का नाम अमरीश है रंजना जी, और पूछना चाहती हैं कि रिश्ते की बात चल रही है और रिश्ता कब होगा, कैसे होगा? डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ डेट ऑफ बर्थ क्या है उनका, डेट ऑफ बर्थ बताएं। लड़की का नहीं, नहीं जो आपके ब्रदर है उनका डेट ऑफ बर्थ बताएं। अच्छा 1988 ठीक जी, ठीक है। देखिए गौरी जी, आपके भाई की जो रिश्ता है उसमें थोड़ा सा विलंब जरूर आ रहा है, मगर हम ये बताना चाहते हैं कि इनको रिश्ता भी बहुत जल्द मिलेगा और ये हम देखते हैं फरवरी के महीने में इनकी शादी जरूर पक्की हो जाएगी और 15 फरवरी से पहले पहले होने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको भी यही सजेशन देंगे कि हर शुक्रवार कोई भी खोए की बनी बर्फी आप मंदिर में चढ़ाना शुरू कर दिए, आप देखेंगे बहुत अच्छे आपको रिश्ते आएंगे और बहुत जल्दी आपको अच्छा रिश्ता मिल भी जाएगा। आपका भाई थोड़ा सा चूजी है, उनको थोड़ा सा समझाइए कि सब तरफ उनको देखना चाहिए, तो जैसे कि जो भी लड़की इनको मिले वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड मिलेगी, इसलिए इनको थोड़ा सा आप सजेशन दें कि इतना ज्यादा चूजी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं ये उपाय करेंगे तो इनका जो विवाह है ये जरूर फरवरी तक संपन्न हो जाएगा। चलिए बिल्कुल रंजना जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? 5 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं टैरो कार्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इनके माइंड में, काफी चीजें ये करना चाहते हैं और हर चीज में एक ही बारी हर चीज को करने की कोशिश करते हैं, जिस करके इनकी दिमाग की कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बनी हुई है। इनको हम सजेशन यही देना चाहते हैं कि जरूर घर में जो बड़े हैं उनसे सलाह मशवरा करें, सलाह मशवरा करने के बाद और एक अच्छे नतीजे पे पहुंचे ताकि कोई भी जो इनको डिसीजन लेना है वो आज ये ले सकते हैं। आज का दिन इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ इनको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और आज इनको अपनी डिसीजन जो भी ये कार्य करना चाहते हैं उसको आज कर लेनी चाहिए ताकि एक और ज्यादा समय ये वेस्ट ना करें कंफ्यूजन के अंदर। इनका जो रंग है वो है ब्लैक और इनका जो अंक है वो है नंबर 8। एक उपाय बताना चाहते हैं ताकि इनको थोड़ी हेल्प मिल जाए और वो ये है कि आज शुक्रवार दिन वार वाले दिन आज ये पीतल का बर्तन ले, उसमें चीनी दे, चावल डालें और पीपल के पेड़ पे ये जल चढ़ा दें। ऐसा इनको 5 शुक्रवार करेंगे तो इनको इनका मार्ग भी खुलेंगे, इनके रास्ते खुलेंगे और इनका कार्य भी जो है बहुत ही अच्छे से होने लग जाए। चलिए बिल्कुल रंजना जी, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। रंजना जी अब बात करेंगे 6 नंबर वालों की, 6 नंबर वालों के लिए क्या सजेशन आज? 6 नंबर वालों के लिए भी हम देख रहे हैं इनका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है और हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा इनके यात्रा के योग बन रहे हैं और इसमें इनको सफलता तो जरूर मिलेगी, मगर इनको थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी ताकि इनको कोई प्रॉब्लम्स ना आए और अपने कार्य में भी जान जाना चाहते हैं उसके लिए भी इनको बहुत ध्यान से अपने सारे कार्य को देखना पड़ेगा।
इनको एक सजेशन देना चाहते हैं कि घर से निकलने से पहले अगर ये लाल पुष्प और थोड़ा इत्र लक्ष्मी माँ को चढ़ाकर निकलेंगे तो इनके काम भी बनेंगे और इनको इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी बहुत ज्यादा इनको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। इससे इनके लिए जो सजेशन दिया है ये आप जरूर फॉलो कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आपका जो रंग है वो है ब्राउन एंड नेवी ब्लू और आपका जो अंक है वो है नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं और जी 7 नंबर वालों की बात कर लेते हैं। रंजना जी, 7 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं थोड़े से मायूस दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से तनावग्रस्त दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा से इनकी हम देखते हैं कहीं ना कहीं कोई लिटिगेशन की प्रॉब्लम है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है जिससे बहुत ज्यादा इनको परेशानी दिखाई दे रही है। इससे हम इनको सजेशन यही देना चाहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से अपना फोकस बनाकर रखें और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान से देखें, जरूर आपको इसमें हल आज मिलेगा। आज का दिन बहुत ही ज्यादा आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है और इसके साथ साथ दिन को और बेहतर बनाने के लिए अगर आप थोड़ा खीर का दान करेंगे मंदिर में, इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ घर से निकलने से पहले अपने माता जी का आशीर्वाद लेके अवश्य निकलें, आपके सारे काम जरूर होंगे। दिन का सक्सेस जो है वो है 65% और आपका जो रंग है वो है गुलाबी और अंक जो है वो है नंबर 6। चलिए रंजना जी आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं 8 नंबर वालों की। 8 नंबर वालों के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? 8 नंबर वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, सब तरफ से इनको सपोर्ट मिल रहा है, अपने फैमिली से भी सबसे इनको सपोर्ट मिल रहा है, इनका फोकस एकदम ठीक है, मगर कहीं ना कहीं ये अपने आप में थोड़े से चिंतित दिखाई दे रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए हम इनको सजेशन यही देना चाहते हैं कि जो नेगेटिविटी है वो आपके अंदर ही आ रही है, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, इससे अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए और जिस हिम्मत से आज तक आप काम करते रहे हैं आप जरूर करते रहिए और साथ साथ अगर आप थोड़ा आटे और गुड़ का दान करेंगे इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आपका रंग जो है वो है ग्रे और आपका जो अंक है वो है नंबर 4। दिन का सक्सेसफुल रेट है 70%। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी नंबर 9 नंबर की। रंजना जी, 9 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और ये जो चेंजेस आए हैं बहुत ही ज्यादा इनके लिए फेवरेबल रहेंगे। इमोशनल लाइफ भी इनकी बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है और आगे चलकर इनको कोई ना कोई बिजनेस का भी अच्छा प्रपोजल बहुत जल्दी मिलने वाला है। इसके साथ साथ हम इनको यही बताना चाहते हैं कि आज के दिन का जितना भी आप लाभ उठा सकते हैं आप उठाइए, क्योंकि दिन बहुत ही ज्यादा इनके लिए अनुकूल है इनके लिए। और घर से निकलने से पहले थोड़ा दही और चीनी खाकर निकलें और जरूर थोड़ा सा दही का अगर दान भी करेंगे इससे आज का दिन आपका और भी ज्यादा शुभ हो जाएगा। इनका जो रंग है वो है सफेद और इनका जो अंक है वो है नंबर 2। आज का आपका सक्सेस रेट है 78%, इसलिए आज के दिन का पूरा पूरा लाभ उठाएं और आगे चलकर बहुत ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए।